का एक बहाना चाहिए कि धूप है और कुछ भी है, जितना ये काम चोर दिन पर दिन ना काम चोर बनते जा रहे हमारे पति देव। निशा जी आजकल बहुत मतलब सर चढ़ के मतलब बोल रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा धूप है इसलिए। धूप कुछ भी नहीं है ठीक ना, फिर आप मेरे से सुना नहीं कि दोस्तों। नमस्कार अपना तो स्वागत दोस्तों निशा संगीत ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, एकदम फ्रेश होंगे दोस्तों। हम लोग का हो चुका है और दोस्तों हमारा एक एक दिन का वीडियो गैप चला गया, तो क्षमा मांगते हैं झाड़ पर। अभी दोस्तों मॉर्निंग का समय है और देखिए अभी सारा कचरा सब फैला है, इधर बच्चे बच्चे सब उठ गए ना, सब लोग बदमाशी कर रहे हैं। हाँ देखिए दोस्तों सब आदि बाबू भी बदमाशी कर रहा है, और अभी हम देख सकते हैं हमारा घर का पूरा कचरा फैला हुआ है दोस्तों। तो प्याज प्याज किसके चलते हुआ है इतना सारा प्याज का छिलका, सब इनका काम है फ्रेंड। और दोस्तों जितना मतलब प्याज था ना दोस्तों, इसीलिए मतलब एक दिन का आपको ब्लॉग नहीं दे पाया क्योंकि प्याज बेचने में लगे हुए थे, क्योंकि सड़ गया था सारा प्याज। इतना दिखाओ वो देखिए, प्याज तो सड़ा हुआ, इतना सारा प्याज सड़ा हुआ निकल गया है और इसमें बहुत सारा है, इसके अंदर सड़ गया प्याज हमारा दोस्तों, बहुत बेकार मतलब ये प्याज हमको बचत नहीं हुआ दोस्तों ना, फायदा बचत नहीं हुआ दोस्तों। क्या ऐसे ही थोड़े बहुत हुआ खा पी कर, हाँ। भी मतलब पूंजी निकल गया, हाँ। बस थोड़ा बहुत बचत हुआ दोस्तों, लेकिन और नहीं बचत हुआ। इसको क्या करें, इसको बोरा में उठा दो, बोरा में उठा कर फेंक दो, सारा कुछ कचरा है दोस्तों। और फ्रेंड आप लोग हमारे वीडियो में, और दोस्तों अभी जा रहे हैं हम सब नहाने धोने के, अभी ना झाड़ू करके देखे वहाँ पर हमने बोरा सरिया के रखा, हाँ अभी देखिए उतना सारा बोरा हो गया दोस्तों, सारा ये बोरा का मेरा पैसा है, हमारा होएगा पैसा ये बोरे का। अच्छा हाँ। बेचते हैं हम दोस्तों, लेकिन पैसा ये लेती है क्या कि बोरा का भी कम से कम पैसा, काहे कि मालकिन ही यही है घर का। अरे वाह, ओ दे ये देखिए कैसे बदमाशी करा देने, अरे आदि बाबू नंगे पुंगे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हम नहा धोकर हो गए हैं रेडी, और कहीं हम लोग जाने वाले थे तो आज नहीं जा पाए कुछ मुश्किल के कारण, और अभी देख सकते हैं जीवन जी नहाने के बाद अच्छे से नींद आती है दोस्तों। हाँ तो क्या आपको सोना है और काम पर नहीं जाना, जाना तो कब जाना काम पर, जाएंगे एक घंटे के बाद, कब जाना है दोस्तों, भी बहुत ज्यादा धूप है इसलिए। धूप कुछ भी नहीं है ठीक ना, फिर आप मेरे से सुना नहीं कि धूप कुछ भी नहीं, बहुत तगड़ी वाली धूप है दोस्तों, कुछ धूप नहीं है, आप निकल कर बाहर देखिए, हम देख रहे हैं नहीं है धूप, देखिए पाइप से दिखाई दे रहा है, कहाँ देख सकते हो आप लोग, देखे यहाँ से आप लोग को लग रहा है की धूप है, दो दिन से मौसम एकदम ठंडा किया हुआ और आज इनको धूप लगने, इनको काम नहीं करने का एक बहाना चाहिए कि धूप है और कुछ भी है, जितना ये काम चोर दिन पर दिन ना काम चोर बनते जा रहे हमारे पति देव। क्या करें, जब से मतलब यूट्यूब पे घुसने से पहले थोड़ा सही से करते थे और यूट्यूब पे घुसे उसके कुछ दिन के बाद यूट्यूब में भी देखना पड़ता है, इसलिए बेसी ना बोला मत कीजिए ना तो समझ जाइएगा फिर। एक तो जब से शादी हुआ तब से हमें कोई गोल्ड का सामान वान कुछ भी नहीं दिलाया, आप लोग को पता ही, आप पता क्या आप लोग को तो पता ही नहीं कभी कि मेरे पास क्या गोल्ड में है क्या नहीं है, क्या नहीं है वो सब एक दिन बताएंगे। गोल्ड में मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस जो एक ये पहने हैं और एक गला में लॉकेट पहने थे वो लॉकेट भी टूट चुका है, और देखिए फिर भी ये काम चोरा नहीं, उठिए पहले आप, पहले आप उठिए, देखिए देखिए इनको कैसे करते, उठिए बोले ना, देखिए फ्रेंड किस तरह से करते हैं, इन देखने में जितना लगते हैं ना सीधा उतना सीधा है नहीं, कहीं आज जाना भी था वहाँ पर ही बोल रहे हम नहीं जाएंगे, हमको बहुत देरी पहले नहा लिया और बोलते अब हम नहीं जाएंगे, और धूप है ये है वगैरह वगैरह, धूप है तो इसके मतलब क्या कुछ घर का काम नहीं होता, जो इम्पोर्टेंट काम है वो इम्पोर्टेंट काम नहीं किया जाता है, पर नहीं इनको खाली सोना है, खाली और खाली सोना है, घर में दिन भर हम काम करेंगे वो नहीं कि इनका गिनती है, पर आप लोग को क्या बोले आप इनके बारे में, चुप रहिए मत बोले मेरे से ठीक ना। तो दोस्तों फाइनली देखिए निशा जी हमको उठा ही दिया, बहुत ज़्यादा ही मतलब झोल झोल के, एक मिनट भी मतलब सोने नहीं दिया निशा जी, आजकल बहुत मतलब सर चढ़ के मतलब बोल रही है दोस्तों देखिए, और बिटिया रानी देखिए दोस्तों सोई हुई है, अभी तो हमको जाना पड़ेगा काम,
तो घर में बैठे रहोगे तो कोई भी नहीं बोलेगा खाने के तो लिए। एक दिन दो दिन बैठ के आराम नहीं कर सकते के लिए बैठोगे घर में खाने के लिए पैसा एक रुपया भी नहीं रखना है, पर जाकर घूमना है और घर में बैठना आराम करना है। कहाँ घूमने के लिए जाते हैं? 10-10 मिनट आराम भी नहीं करने दिया दोस्तों, झोल झोल के उठा दे। सुबह से तो काम पर नहीं है गए, सुबह भी गए काम पर, प्याज सड़ रहा पूरा एकदम, कीड़ा लग रहा आपको पता चला घर तो में दो चार बड़ा और मतलब बच रहा है दोस्तों, और थोड़ा चार बड़ा और बच रहा है, चुपचाप जाइए काम पर। वो तो जाएंगे, हाँ जा रहे हैं। अब कुछ ज्यादा ही मतलब बोलने लगी है दोस्तों, अब इसका कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कितना दिन चलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम जा रहे हैं अब काम पर, और देखिए अब आदि बाबा तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और हस्बैंड जी भी आपने देखे कि वो काम पर चले गए, और क्या बताएं उनको कितना ज़्यादा गुस्सा उस्सा हुआ, उसके बाद जाकर वो काम पर गए। मतलब धूप थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इस कारण वो जाने के लिए काम पर खोज नहीं रहे थे, और हम बोले कि नहीं काम पर अब जाइए, वो भी बोल रहे थे कि हमको रेस्ट करना, पर रेस्ट करने से ज़िंदगी नहीं ना कटेगा। और देखिए अभी वो काम पर चले गए हैं और अभी तक आए नहीं है, अभी करीब 5 बज गए हैं शाम का। और देखिए यहाँ आदि बाबू हाई करो, उठे हाई करो, कितना मासूम सा चेहरा है, देख सकते हैं हमारे बेटा का, खाली जहाँ इसका इतना मासूमियत दिखता है, ये मासूम ना है नहीं, अब इसको नींद आ रहा है इसके कारण, ऐसा नींद आ रहा है, सो गए छोना। एक लोग सोने के लिए रो रहे हैं और एक लोग अब जागे रहने के लिए रोएगी, देख सकते हैं ये सो कर जाग गई है, और जाकर इसको काजल पाउडर पूरा कर दिए, देखिए पैर का उंगली मुंह में ले रही है, कैसी इंसान है। और आज इसके पापा जी को बहुत डांट लगा है, आदि आज तुम्हारे पापा को बहुत डांट लगा है, आज पापा को बहुत डांटे हैं, ठीक ना? ओके हाँ। तो फ्रेंड देखिए हस्बैंड जी कब तक आएंगे, और उनको उतना बोल दिए तब डर लग रहा, आएंगे तो अपना क्या रिएक्शन देंगे, हो सके गुस्सा उस्सा भी होंगे, क्या करें, वो उतना मुँह भी गुस्सा दिला देते, उसके बाद ही हम उनको उतना बोले, तो बोलने का मेरे को शौक नहीं था, पर लगता है कि किसी को हम इतना बोले, इतना टॉर्चर करो काम के चलते, हम काम तो कर नहीं सकते इसके कारण, क्या करें, हमको ही बोलना पड़ता है कि आप ही जाइए, अब हम तो जा नहीं सकते, जो हम बोले जो घर में रहता वो काम हम कर ही देते, और क्या करें। तो चलिए फ्रेंड ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे, काफ़ी ज़्यादा हमको टेंशन हो रहा है हस्बैंड जी कब तक आते हैं देखिए, और फ़ोन भी आज कर रहे हैं तो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे, उठा ही नहीं रहे हैं एकदम, कब से फ़ोन कर रहे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कुछ काम था मार्केट से भी, तो देखिए फाइनली काम से हम आ गए, और देखिए दोनों तीनों माय बेटा बेटी सब अपने धुन में मगन है दोस्तों। और अभी ये काम से आ गए, फोन नहीं इसलिए नहीं उठा रहे, गाड़ी चला रहे थे ना, गाड़ी चला रहे थे दोस्तों, इसलिए हम फोन नहीं रिसीव कर पा रहे थे, तो नहीं फोन उठा रहे थे, तो बोले कि गाड़ी चला रहे थे इस कारण, और हमारे घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है दोस्तों, थोड़ा बहुत ये काम चोर होते जा रहे दिन पे दिन, ये रियल क्या किए दोस्तों, बहुत ज्यादा ही गर्मी लगता है धूप, और यूट्यूब पे भी ध्यान देना पड़ता है, पर हम भी समझते हैं इनका दर्द, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, तो इसकी वजह से बिटिया रानी चिड़चिड़ा रही है, चिड़चिड़ा रही है, मारबो नहीं किए, खाली ऐसे छुए, ऐसे करके छुए दोस्तों, उतनी रो गई, बहुत पिनपिनाह ही हो गई, दोनों पिनपिनाह हो गया, ये भी और ये भी, ये तो और सबसे ज्यादा बदमाश हो गया, इस ये भी और बदमाश हो गया, ये तो एनी टाइम गोदी में दम रहना चाहता है, और ये एनी टाइम बदमाशी लात फेंकने हाँ, और अभी हम लोगों को काम भी है, सोच रहे कैसे बुराई कर रहे हैं, तो मुंह लटका हुआ दोस्तों, देखिए नहीं देखिए कैसे मुंह लटका हुआ, मुंह छुपा लेता है, मुंह छुपा ले रहा दोस्तों, शर्म आ गया हाँ। और अभी हम लोगों को काम भी है, खाना बना लिया, बहुत सवेरे बना लिया, और दोस्तों अभी प्याज वाज फटकना है दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल जाते हैं, तो थोड़ा गर्मी है, 6 बज रहा है, तो हम खाना बना लिए ना जी, आज बहुत सवेरे खाना खाना बन गया हमारा, तो सब सवेरे ही, और काम थे घर, और ये जो प्याज है ना दोस्तों, ये दो तीन बड़ा बच रहा है, सड़ रहा है, जो सड़ा हुआ जो छाट छाट के अलग करना है, और अच्छा वाला, हाँ करना है, अच्छा वाला बिकने के लिए जाना है, और थोड़े अच्छे से भी बिक जाता है ना जी, तो चलिए फ्रेंड ये सब भी काम करना है, तो आज
अपने पतिदेव के बारे में जो भी बुराई की है उसके लिए सॉरी आपसे, क्योंकि हम जल्दी लड़ाई वगैरह करते नहीं हैं। और इसी तरह इनको बोल दी खाली काम चोर, तो इसकी वजह से ये गुस्सा हो गया कि तुम मेरे को काम चोर क्यों बोल। चलिए तो कोई बात नहीं, अभी प्याज और दोस्तों इधर भी प्याज वाइज था जो सब खा खत्म कर दिया, लेकिन खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन बचत नहीं हुआ ना जी। और इधर देखिए सब्जी बन गया है, इधर सब्जी रोटी मसाला वाला भुजिया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आज जा रहे हैं बोरा, हम लोग जा रहे हैं दोस्तों प्याज फटने के लिए ना। हाँ चलो, तो दोस्तों देखिए आप लोग हम लोग बोले प्याज अब जाएंगे फटकने के लिए। एक भाई अंधड़ आ गया, देख सकते हैं पूरा अंधड़ आ गया दोस्तों, देखिए कितना तेजी से हवा चल रहा है, पूरा एकदम गदड़ फदड़ सब हो रहा है। हाँ फ्यूज उड़ गया, लाइन कटा हुआ दोस्तों। हाँ हाँ रूम में और तेजी से आ गया था। हाँ तो डर गए कितना ज्यादा, आपको पकड़ लिए। भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग भाग जल्दी आ गया अंदर। बाप रे बिजली तड़क रहा, देखो उधर देखो देखो चमक रहा बिजली, वो देखो पूरा बिजली चमक रहा। चलो अंदर अंदर हवा आ रहा, बिजली चमक रहा जो बिटिया रानी देख डर जाएगी। ये देखिए दोस्तों बिजली चमक रहा पूरा आसमान में, वो देखो पूरा एकदम अंदर बिजली पानी एकदम आ गया ना। और अभी देखिए क्या होता है, लाइन भी अब देगी कि नहीं देगी, कोई परेशानी भी नहीं जा पाएंगे आज। आज कहाँ से जाते, यहीं पर बैठ जाते, प्याज अब कैसे फट गई है। चलो ना तो दोस्तों देख सकते हैं काफी मतलब कि हम लोग बाहर से आ गए हैं और बाहर होने लगी है बारिश ना जी। हाँ तो और हम लोग रूम के अंदर देख सकते किचन में ही बैठी हैं बिटिया रानी अच्छे से आराम से खेल रही है। और यहाँ पर पति देव प्याज को देख सकते हैं फटक रहे, क्या करे दुख है तो रूम में दोस्तों, और अपना रात है दोस्तों। हाँ और यहाँ बोरा मेरा खा रहा, रात ही को देखिए एकदम काफी ज्यादा, पता नहीं इसको क्या हो गया कल से ना, बहुत ज्यादा आज से गुस्सा ही गुस्सा है। हाँ बहुत गुस्सा कर रहा है खाली, नहीं चिड़चिड़ापन भर गया आदि बाबू को। हींग गंधक भी पहनाए थे तो खोल कर फेंक दिया, बाहर वर का भी थोड़ा बहुत नजर उजर लग जाता है इसकी वजह से भी चिड़चिड़ाता है। और ये आज मारे हैं आदि को देख सकते है, ये जो शकल जो दिख रहा है आदि को, आज लास्ट से खाली पीट रहा था इसके कारण। अभी भी देखे किस तरह से और किस हाल में कैसे करके सोया हुआ प्याज के ऊपर, और रोटी नहीं है खाया ना। तो चलिए जी फटाफट कई बड़ा फटेगा, कितने बड़ा फटेगा, तीन बड़ा फटेगा। ओ तीन पैकेट फटकाएगा, अभी तो एक स्टार्ट ही हुआ, थोड़ा बहुत हम भी मिल मिल के ऐसी करके चुन रहे क्योंकि सूप एक ही है ना। तो फाइनली हमारा सारा प्याज फटका गया है, देख सकते इधर दो पैकेट और इधर आता ना जी। हाँ। तीन पैकेट प्याज हम फाइनली काफी थक गए हैं दोस्तों, अभी काफी नींद भी आ रहा है। एक पैकेट खाली हम फटके, दो पैकेट ये फटके, खाना भी हम लोग खाए नहीं ना, क्या कर सकते काम पहले जरूरी। हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और आइए आप लोग भी निकालते पहले खाना। और आदि बाबू तो पढ़ाई में लगा हुआ है, देखिए दोस्तों आदि बाबू देखिए उधर पढ़ाई में लगा हुआ है, देख सकते हैं। और बिटिया रानी सो रही है एकदम चद्दर ओढ़ के दोस्तों, क्योंकि बारिश हुआ ना, और अभी अभी बारिश हल्का हल्का हो ही रहा है इधर ना, गेट लग चुका है। हाँ और हमारा खाना निकल रहा है दोस्तों, एक आलू पराठा। हाँ आदि बाबू कह रहा हम भी खाएंगे, चलो सब मिलकर खाएंगे। तो थोड़ा देर के लिए स्लेट को रख दो बेटा। हाँ और हमारे घर में तो जान ही रहे दोस्तों, बरबट्टी का भुजिया और रोटी बना दोस्तों। हाँ और अंगूरा बना, आम का अंगूरा सुबह ही में बनाए थे तो अभी भी खा लेंगे। हाँ और आदि बाबू देखिए कि हाँ कैसे चढ़ गया दोस्तों, देखिए ये पीपी अंगूरा है, ये निशा का फेवरेट, मेरे पापा को भी, और निशा का पापा का भी फेवरेट है दोस्तों। अंगूरा रोटी उनको बना कर दे दीजिएगा ना, उसके बाद सब खाना को। और दोस्तों हमारा खाना आ गया है, देख सकते हैं
भुजिया रोटी अंगूरा। चलिए दोस्तों हम लोग मिल के खा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हम लोग खाना खा के एकदम फाइनली है। अभी जा रहे हैं दूध पीने के लिए मस्त एकदम गाय का दूध। दोस्तों भैंसी का दूध पीना चाहिए, भैंसी का दिमाग से मोटा दिमाग होता है दोस्तों। और यहाँ पर बेटा हमारा बाबू और वहाँ बिटिया रानी सो गई। पूरा ठंडा ठंडा मौसम अभी कर गया हाँ। है और लाइट भी भगवान की कृपा से ठंडा ठंडा मौसम में जानते हैं दोस्तों गरम गरम दूध पीने में कितना मजा आता है। और अभी चलिए हम लोग खाना ना खा लिए, अब जाएंगे हम लोग सोएंगे। और जो हमारे और इनके बीच में थोड़ा भी जो लड़ाई वड़ाई हुआ उसको आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम इनको ऐसे मजाक से बोल दिए गुस्सा से तभी कि आप काम और मियां बीवी में इतना होता जाता है। ये तो डेली का ही है, पर आज थोड़ा वीडियो में मतलब कि आप तभी वीडियो बना रहे थे और उसी टाइम बोलने लगे तो आप लोगों के भी बीच में। आइए दोस्तों आप लोग भी दूध पी लीजिए, आप दूध पी के मस्त हो जाए, बॉडी मस्त बनाइए। कहाँ का बॉडी बनता है, खाली आगे पेट बनता है बस। क्या कह रहे दोस्तों, पता नहीं इनको क्या हो गया। आप लोग ना कोई अगर मेरा वीडियो डॉक्टर लोग देखते हैं, अगर बाय चांस उतना तो हम है नहीं लेवल में कि डॉक्टर तक हमारा वीडियो जाता होगा ना जी, पर अगर जाता भी होगा तो आप लोग की दुआ से हमारा 33,000 सब्सक्राइबर प्लस हो गया ना। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद तब तक के लिए बाय बाय।